अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पीडीएफ के बारे में कि कैसे आप किसी भी पीडीएफ की फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अटैलिक कर सकते हैं, या आप कोई भी टेक्स्ट को रिमूव करना चाहते हैं, या कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कुछ पिक्चर्स रिमूव करना चाहते हैं, या कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें आप एनोटेशन कर सकते हैं, अपनी पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है UPDF। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाइए। इसमें दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर विंडो, मैक, ओएस, आईओएस और एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, UPDF एक यूनिवर्सल, प्रोडक्टिव, डिलाइटफुल और बहुत ही फास्ट पीडीएफ एडिटर है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। मैं इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आप इसको ओपन करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों, इंस्टॉल होने तक मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, एनोटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इसकी मदद से पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एनोटेट पीडीएफ, कन्वर्ट पीडीएफ, ऑर्गेनाइज पीडीएफ और शेयर पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, इसको आप अपने कंप्यूटर में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक हेल्पफुल ऐप है, और अगर आप प्रोफेशनल काम करने वाले हैं तो भी एक बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद दोस्तों, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस कुछ इस तरह है। यहाँ पर इनका लोगो है, इधर फाइल है, यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू टैब को, न्यू विंडो या कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों, हेल्प का ऑप्शन है। तो यहाँ पे दोस्तों, मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, या मैं यहाँ से एक फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे साइड पे आप देखेंगे तो ये रीडर है, रीडर पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी पूरी फाइल्स को रीड कर सकते हैं, हर पेज को। यहाँ से जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं, इसको जूम को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इससे आप फर्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नीचे 5-6 यहाँ पे क्लिक करके आप 10 पे या किसी पे भी जा सकते हैं, और यहाँ टॉप पे फर्स्ट पेज पे क्लिक करके फर्स्ट पेज पे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप पेज को डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है कमेंट्स का। आप किसी भी पेज पे जाके कोई भी कॉमेंट्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर हाईलाइटर है, आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके लाइन पर हाईलाइट कर सकते हैं, आप कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों, अंडरलाइन का ऑप्शन है, कोई भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कॉमेंट का ऑप्शन है, आप किसी भी जगह पर अपना टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, आप अपने टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप बॉक्स बनाना चाहते हैं। यहाँ पे बॉक्स का साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, जिस भी कलर का आप बॉक्स बनाना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर स्ट्राइक नोट है, कहीं पर भी आप नोट देना चाहते हैं इंट्रोडक्शन पर, तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं या कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ऐसे आप दोस्तों यहाँ पे नोट दे सकते हैं। इसके बाद रेक्टेंगल का ऑप्शन है, आप कहीं पे भी रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो आप अपना रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं इसकी मदद से। तो यहाँ पर दोस्तों, एडिट PDF है, अगर आप इसकी मदद से PDF को एडिट भी कर सकते हैं, आप कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं PDF लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं PDF को डिलीट कर सकता हूँ, फिलॉसफी को डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इसको सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट को, स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अटैलिक कर सकते हैं, या कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ से मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिंक ऑप्शन है, आप यहाँ पे किसी भी जगह क्लिक करके कोई लिंक भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों ऑर्गेनाइज पेज का ऑप्शन है, यहाँ पे ये जितने भी पेज हैं सारे आपको शो हो रहे हैं। अगर आप ये फर्स्ट पेज को स्वाइप करके यहाँ पे लास्ट में लाना चाहते हैं तो लास्ट में लेके जा सकते हैं। अगर आप दोस्तों 11 नंबर को फर्स्ट पे लेके जाना चाहते हैं तो फर्स्ट पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप पेज को सिलेक्ट करेंगे, इधर आप पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये मैं 2 नंबर को डिलीट कर देता हूँ, तो ऐसे दोस्तों आप पेजेस को डिलीट भी कर सकते हैं। इंसर्ट करना चाहते हैं, रिप्लेस, एक्सट्रैक्ट, स्प्लिट या रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ साइड पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट PDF है, यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं चाहे वर्ड में, पावर पॉइंट, एक्सेल, CVS में या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, इमेज में, XML में, HTML में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दोस्तों सेव एस PDF है, यहाँ पे आप किसी भी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रोटेक्ट यूजिंग पासवर्ड है, यहाँ पे आप इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड एंटर कर लें और उस फाइल को सेव करेंगे तो जैसे ही आप इसको अप्लाई कर देंगे तो ये फाइल जो है सेव हो जाएगी और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड के साथ ओपन होगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप इनका प्राइसिंग प्लान देखें तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे फ्री में आप कन्वर्ट अप टू 5 फाइल जो हैं 5 फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ रजिस्टर करना है अपने ईमेल एड्रेस के साथ और यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो इनके फुल फीचर्स हासिल करने के लिए दोस्तों आप इसको सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं जो कि $30 का है ईयरली। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे दोस्तों परपेचुअल प्लान भी $50 में आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।